blacklist. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं सम्यक भाई का बर्थडे बनाने, तो कसौली जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं अभी, हमें एक घंटा हो गया दिल्ली से निकले हुए, एंड ऑन द वे ही है। तो आज हमने सोचा कि अपना फर्स्ट व्लॉग लेके आते हैं और आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ हमारा सम्यक भाई। हाय गाइस। तो भाई भाई का बर्थडे भी है कल, तो इसीलिए जा रहे थे आज हम। हमने कहा एक रात बर्थडे वाली कसौली में ही बनाते हैं पहाड़ों में। तो आओ फिर हम आपको आज साथ लेके चलते हैं। अपने लोग 7 बजे निकले थे घर से, एंड अभी तक 8:30 हो गए और अभी तक हम सिर्फ 40 किलोमीटर ही आए हैं, मूर्थल भी नहीं आया। सामने डाइवर्जेंस की वजह से इतना जाम है। अभी देखो भाई, ये मूर्थल तक जो कंस्ट्रक्शन चल रही है कब तक पूरी होगी? ये भाई हुई नहीं, मैं बचपन से बड़ा हो गया इतना, पर आज तक इसकी कंस्ट्रक्शन कभी पूरी नहीं हुई। डाइवर्जन ही डाइवर्जन है पूरे रूप में। गाइस यही है। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे मूर्थल और फिर मूर्थल पे खाएंगे कुछ परांठे या जो भी है ब्रेकफास्ट में, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और भाई क्या आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तीसरे साथी अतिश जैन। हाय गाइस। तो भाई भी साथ जा रहे हैं ट्रिप पे, तो बस 3 लोग एक रात तो गाइस फाइनली अब थोड़ा जाम खुल गया है और हमने सोचा एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया जाए। तो बॉयज कैसा लग रहा है अभी तक? बढ़िया लग रहा है भाई, मैं तो बीच गाड़ी मजा आ रहा है कि नहीं? वो भाई तेरा बर्थडे है भाई, पूरा मजा आ रहा है। अब मजा आने शुरू होगा, वैसे अभी तक तो जाम में पैर दुख गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस हम लोग मूर्थल पहुंच चुके हैं और काफी लेट चल रहे हैं अभी तो शेड्यूल से। काफी लोग हैं आज, ट्रैफिक काफी है नॉर्मल से। मतलब यूजुअली जब इसमें आते हैं हम लोग तो काफी कम होता है ट्रैफिक, बट आज काफी ज्यादा है। सब लोग निकले लॉन्ग वीकेंड बनाने, तो गए हम सीधा रुकेंगे करनाल और वहां करेंगे अपना नाश्ता। फर्स्ट टैग में आ गया लो बैलेंस, तो अभी हमने दिया है डबल पैसा कैश। 95 का था टोल, 190 ढुक गए। चलो कोई नहीं यार, ये गाड़ी पहली बार निकाली है ना, कभी गई नहीं हाईवे पे, तो इसलिए फास्ट टैग कभी यूज ही नहीं हुआ इसमें। भाई करा ले भाई इसमें बैलेंस, अब ये डबल नुकसान हो गया है। चलो कोई नहीं भाई। तो ये भाई है, ये बिना हेलमेट के भागे हुए थे अभी 100 पे स्प्लेंडर पे। भाई 100 पे मैं चल रहा हूं, स्प्लेंडर 110 तक जाती है क्या? और भाई ने हेलमेट टांगा हुआ था अपने हाथों में, पुलिस की गाड़ी सामने देखी, हेलमेट लगा लिया एकदम पटाख से। और ये देखो भाई बंदा क्या भागता हुआ यार। ऐसे लोग ही होते हैं कुछ जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे। बुलावा दे रहे मौत को, और कुछ नहीं है ये। सीधा रास्ता तो मजा आ जाए, टोल आ गया और अभी तक हमने रिचार्ज नहीं करवाया अपने फास्ट टैग में, तो यहाँ पे भी देंगे अब हम डबल। 40 रुपए का है तो 80 रुपए लगेंगे इसके जस्ट बाद, अब कराएंगे ही कराएंगे कुछ ही हो जाए। एक बार रुकेंगे ना, जहाँ खाने के लिए रुकेंगे वहाँ बैठ के फिर देखते हैं इसमें क्या करना है टोल में क्या नहीं। यस।
गाइस देखते हैं अब क्या होता है। तो लो बैलेंस दिखाया था पिछली बार, अब 40 रुपए है कि नहीं इसमें पता नहीं। वेलकम ब्लैकलिस्टेड टैग। ओ शिट भैया, अरे तो ब्लैकलिस्टेड टैग लिखा हुआ है। अबे कहाँ जाए भाई, देख के आ, यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं। कितने हो गया? 80 रुपए निकाल भाई, नहीं पड़े होंगे। ब्लैकलिस्ट ही कर दिया क्या? रिचार्ज रिचार्ज से भी नहीं होगा क्या? अजी रिचार्ज कराएंगे हट जाएगा ये? हाँ वो हो जाएगा, 70 और मैक्सिमम। चलो 20 रुपए दे दो भाई साहब, टैग ब्लैकलिस्टेड है, अभी रिचार्ज करवाते हैं, आगे रोक के वहाँ पे रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर गाइस अभी ये फास्ट टैग का हमें मिला है बोर्ड, यहाँ पर लोग हैं रिचार्ज करने के लिए, तो इनसे एक बार रिचार्ज कराते हैं और थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी करते हैं। काफ़ी ट्रैफिक था पूरे रास्ते में, ढंग से रूट कवर नहीं कर पा रहे हम टाइमली, आगे देखते हैं कैसा रहता है। अपने फास्ट टैग में पैसे एक बंदे से, हमें समझ नहीं आ रहा उसने एक्चुअली में डाला नहीं डाला, क्योंकि हमारे नंबर पे नहीं था फास्ट टैग, तो अब देखते हैं जेन्युइन था भी या नहीं। भाई उसने 1000 रुपए लिए और 900 का करा है रिचार्ज, तो अब कहानी क्लियर हो जाएगी। अगर इस बार भी नहीं चला तो हम वापसी जाके उससे बात करके आएंगे। गाड़ी आ चुकी है ब्लैकलिस्टेड, आ रहा है फिर से भैया स्कैन कर लेना एक बार बाहर से। नहीं तुम क्या स्कैन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? स्कैन तो हो ही नहीं, ब्लैक लिस्ट हो कर गया ना, स्कैन तो करे हम। क्या जो लेने चल फिलहाल भाई, कैश दे दो, कैश ले ले फिलहाल भाई, कैश ही लग रहा है फिर से। तो अब यहाँ पे लगी 290 की पेनल्टी। भाई क्या सिस्टम है ये फास्ट ट्रैक का, मेरी तो समझ के बाहर हो रहा है ये। भाई सुबह सुबह देखो रोड का काम कर रहे हैं, राइट से ले भाई, ये बहुत गर्म है, ये देखो अभी नई रोड बन रही है, अभी टायर चढ़ा देता और गल जाता, मजा आता, पहुंच चुके हैं। एंड अब हम आगे कहीं रुकेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और अब सड़क अच्छी लग रही है, खाली खाली भाई, और ये गाने की इमेज भी काफी डिस्ट्रैक्ट कर रही है भाई। टोल का तो बता दो क्या हुआ। हां तो टोल का हम लोगों ने बेसिकली दिया डबल पैसा, एंड अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ है कि उस बंदे ने वो जो रिचार्ज है वो करा कहां पे। तो बेसिकली उसने पूछा हमसे कि आपको अपने नंबर पे रिचार्ज करवाना है टोल वाला या फास्टैग वाला, या फिर फास्टैग के किसी नंबर पे कराना है ना? या तो गाड़ी नंबर पे होता है या हमारे मोबाइल नंबर पे, ऐसे कुछ होता है। तो इसने गाड़ी की उसकी जगह दे दिया अपना मोबाइल नंबर, तो उसने पता नहीं कहाँ रिचार्ज करा है क्या करा है। अब आराम से नाश्ता करते हुए फिगर आउट करेंगे कि हुआ गया हमारे साथ, एंड भाई सफर कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अब रुके हैं मयूर ढाबा पे इन करनाल, तो अभी तक तो सही चल रहा है ट्रिप, पर हम काफ़ी लेट है अपने शेड्यूल टाइम से। अभी क्या कहेगा भाई, मन तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तो छोले भटूरे टाइप खा सकते हैं। छोले भटूरे खा लिए तो नींद आ जाएगी रास्ते में, पर ठीक है चलो देखते हैं, बड़ा पेट पेट भरते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लंच वगैरह करके निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट और अब अतिशय भाई ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं, फटाफट पहुंचा देंगे गाइस। कितना किलोमीटर रह गया भाई अभी कुछ यही 100 मैप में अगर हम देखें
अभी 165 किलोमीटर स्टिल बचा हुआ है और इसके हिसाब से हम 3 बजे पहुंच जाएंगे, तो देखते हैं। और ये अपने पीछे शो भाई ये छुट्टियां मनाने आए हैं अपनी गर्मियों की, बीच के कपड़ों में चल रहा है। आगे मिलते हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस हम फिर से जाम में फंस गए हैं और आज हमने बहुत ही गलत दिन चूज कर लिया है इस हाईवे पे निकलने का। पीछे से एक रास्ता दिखा रहा था यू टर्न का, हमने कहा गूगल हमें क्या बताएगा, सीधा सीधा तो रास्ता है, हमने सुनी नहीं उसकी और अब जाम में फंसे हुए हैं। तो अभी बस यही अपडेट है, बाकी चल रहे हैं, अब जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे। अभी दिखा तो रहा है हमें ETA यहाँ से भी 3 घंटा 10 मिनट और मुश्किल से आई थिंक सिर्फ 100 या 120 किलोमीटर ही बचे हैं। एम्बुलेंस भी जा रही है, एम्बुलेंस को जगह दे दो यार। 104 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और उसके लिए 3 घंटा 104 किलोमीटर तो मतलब आगे भी जाम इसमें होगा काफी। चलो कोई नहीं यार, हम बैंगलोर से तो बेटर ही हैं। तो गाइस हमने अंबाला कैंट से राइट ले लिया, हमने हाईवे तो छोड़ दिया बट अब रास्ता नहीं समझ आ रहा क्योंकि काफी बीच में रोका हुआ उन्होंने सारा अंबाला कैंट वाला एरिया तो। पर यहाँ पे हम इस रोड पे आए और क्या ब्यूटीफुल रोड है, आसपास घास ही घास है और बीच में एक सड़क। तो अभी भी देख रहे हो ETA दिखा रहे हैं कुछ 357 में पहुंचेंगे एंड 2.5 घंटे अभी भी और शायद अब सिर्फ 96 से 98 किलोमीटर ही बचे हैं। चल रहे हैं, अब जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। आ चुके हैं एक बढ़िया सी सड़क पे, ये देखो बिल्कुल, एंड आसपास हमारे हैं खेत ही खेत दोनों तरफ, जानवर भी निकल जाते हैं। हाँ, अभी पीछे लिखा हुआ था बोर्ड था कि इसमें हिरण वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, बंदर एक लेके चल रहे हैं, बंदर हमारे साथ है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जानवरों से। देखो मैं पर एक हाथी भी है, हाथी का बच्चा भी है, वीडियो बना रहा है।